ओके, सो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट जो यहाँ पे गेस्ट हाउस में मिलता है. बहुत ही हाइजीनिक, सुपर हाइजीनिक मैं बोल सकता हूँ. बहुत ही टेस्टी रहता है. हर दिन अलग अलग टाइप का, अलग अलग वैरायटी का यहाँ पे ये ब्रेकफास्ट मिलता है. अभी देख सकते हैं कि कितना पावरफुल ये एक हमें ब्रेकफास्ट मिला है. यू कैन सी द ऑमलेट इज़ देयर, ब्रेड, दही है, केले मिलते हैं यहाँ पे और ऑरेंज जूस है. सो बहुत हेल्दी ये हमारा ब्रेकफास्ट हर रोज़ यहाँ पे होता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में. सो द प्लेस बिहाइंड मी इज़ द ओल्ड गेस्ट हाउस एंड वेल यू कैन सी दिस रूम वेयर आई वॉज स्टेइंग बिफोर एंड या यू कैन सी देयर इज़ अ गेस्ट आउट हियर. हे बरी, व्हाट्स अप? सो यू कैन सी द फर ऑफ द डॉग इज क्वाइट थिक. यहाँ पे सब डॉग्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, एकदम थिक फर वाले. हे बड़ी, इज क्वाइट फेमिलियर विद द कैमरा आई गेस. ओके, सो मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर है. दोस्तों अभी हम लोग निकले हैं न्यू गेस्ट हाउस में से, क्योंकि अभी हम लोग को एक बहुत अच्छा घर मिला है जहाँ हम लोग रह सकते हैं रेंट पे. और अभी हम लोग वही देख और अभी हम लोग वही घर पे जा रहे हैं. ये हम लोग जिस रिक्शा में है, यहाँ पे ई रिक्शा चलता है नॉर्थ साइड में. और अभी सब लगेज वगैरह है तो सब लेके ही वहाँ पे जाना है. सो अभी देखेंगे हमारा जो नया घर है वो घर कैसा है. चलो देख. Morning to you all. So we are at the new house that we have taken on rent. The house is 1 BHK, but it doesn't seem to be like that. It's quite big. और अभी बजे है 9 सुबह के. आप देख सकते हैं कि पीछे पूरी तरह से फॉग है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 8 to 9 degree है यहाँ पे चंद्रबनी एरिया में देहरादून के. तो मैं आपको पूरा घर दिखाऊंगा कि ये घर यहाँ पे कैसे मिलते हैं. जनरली यहाँ पे रो हाउसेस रहते हैं जो जो भी बाहर से आते हैं उनको वो दिए जाते हैं. सो यू कैन सी द हाउस और मुझे लगता है कि आपको ये घर पक्का पसंद आएगा. सो लेट्स वॉच इट. सो यहाँ से एंट्रेंस है जो हम लोग ऊपर आने के लिए यूज़ करते हैं. और चलो अंदर जाके हमारा पहले हॉल देखते हैं कैसा है. सो यू कैन सी द हॉल, इट्स क्वाइट बिग. ओके, बहुत बड़ा हॉल है और जस्ट पेंट किया है. सो पूरी तरह से नया ये हॉल है. ये हमारा बेडरूम है और आप देख सकते हैं कि बेडरूम बहुत ही सुंदर कलर दिया है यहाँ पे. एंड दिस इज द किचन. अल्टीमेटली किचन इज वेरी गुड, वेल फर्निश्ड एंड पानी का कोई इशू नहीं है यहाँ पे. एंड हियर वी गो विद द वॉशरूम्स एंड आवर टॉयलेट्स. अभी हम लोग जाते हैं छत पे. छत बहुत ही सुंदर है, क्लीन है और आप चाहे तो ऊपर जाके यहाँ पे टहल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं. एंड यहाँ से व्यू तो बहुत सुंदर दिखेगा, इतनी तो गारंटी लेता हूँ. सी इवन 50-70 मीटर्स की दूरी पे कुछ नहीं दिख रहा है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितना टेम्परेचर ड्रॉप होता है. और यहाँ पे बर्ड्स बहुत ही सुंदर दिखते हैं इसी एरिया में, बिकॉज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट बाजू में है, आजू बाजू में फॉरेस्ट एरिया है. सो यू कैन गेट ऑल दिस थिंग्स टू सी. सो ये है हमारा आने जाने का रास्ता.
well, अभी हम देहरादून आए हैं तो देहरादून की स्पेशलिटी जो कि है मोमोज, ये कैसे मिस आउट कर सकते हैं। सो मैंने मंगाए हैं ये फ्राइड मोमोज और ये उसके साथ एक उसके लिए चटनी दी है, अच्छी तरह से एकदम टेस्टी लग रही है। और डैड ने वेज मोमोज दिए हैं जो जिसका जिसका शेप कुछ अलग है। सो ये भी कुछ ये भी थोड़ा यूनिक लग रहा है। सो ट्राई करके देखते हैं ये कैसा है एग्जैक्टली। फ्राइड मोमोज चिकन, man, this is so yummy. ऐसा लग रहा है जैसे मुंह में ये मोमोज गए और ये मेल्ट हो गए, इतने जूसी है अंदर से। ये चिकन है अंदर का, ये बहुत ज्यादा जूसी है। तो आप बता ही सकते हैं कि यार ये स्पेशल क्यों है देहरादून में। क्वाइट टेस्टी, वेरी टेस्टी एक्चुअली। एंड शायद मैं और एक प्लेट मंगाऊंगा। जैसे हमारे अभी नेक्स्ट डिश आई है, इस डिश का नाम है चिकन आतिशी। ओके, सो आप देखिए कि ये डिश कितनी सुंदर है। और इस होटल का नाम है लखनवी दस्तरखान। अभी आई डोंट नो कि मैंने ठीक से स्पेल किया है कि नहीं, बट देहरादून सिटी एरिया में लखनवी दस्तरखान नाम का ये होटल बहुत ही फेमस है। गुड मॉर्निंग, इट्स फर्स्ट डे एट वर्क एट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया as extension officer, conservation education and interpretation. You can see is all beautiful scenario out here and I'm enjoying it to the fullest. Let's see how the first day goes. So ye hai Wildlife Institute of India. और अंदर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। अभी ये तो बाहर से व्यू दिख रहा है आपको, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको यही फ़ोटो आपको दिखेगा बाहर का। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी कोल्ड। अभी फ़िलहाल 7 to 9 डिग्री के बीच रहेगा। यहाँ की ठंडी का मज़ा ही कुछ और है। लो हो गया हमारा अभी जॉब का टाइमिंग ख़त्म और अभी आए हम लोग यहाँ यहीं के किसी लोकल मोमो वाले के पास। आई मीन यहाँ पे मोमो वाली है आंटी जी, हम लोगों को बहुत अच्छे अच्छे मोमोज देती है यहाँ पे। और मैंने लिए है चिकन मोमोज जो आप देख रहे हैं कि जस्ट स्टीम हो के बाहर निकले। शी इज़ माई बड़ी सना एंड शी इज़ ऑल्सो माई बड़ी सिमरन। एंड ये जो बीच वाली बंदी है शी इज़ फ्रॉम गोवा। एंड वो वाली जो है वह स्टूडियस लग रही है जो है हिमाचल से, और मैं तो सबको बताऊँ कहाँ से हूँ, मराठी मानूस मुंबई। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। तू कौन बोल रहा था? जय महाराष्ट्र। सो अभी हम लोग ये खाते हैं और इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग देखिए और सब्सक्राइब करना भूलिए। टिल देन कीप पुशिंग, कीप ग्राइंडिंग, नेवर क्विट. Peace out.